हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर की वूल ली है। आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इसमें फंदे डालेंगे। फंदे बिल्कुल सिंपल ले रहे हैं, जो बिगनर्स भी डाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम फंदे डाल के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 28 फंदे ले लिए हैं मैंने। अगर आप साड़ी या चुन्नी से बना रहे हैं तो 28 का ही ये फुल साइज का बन के कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंदे बढ़ेंगे और आप अपने हिसाब से इसमें फंदे ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट रो में ही डिजाइन स्टार्ट होगी। एक, दो फंदे हमने ब्लैक बुने और यहाँ से अब हम देखिए कलर ऐड कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। और देखिए, एक गोला हम अलग से यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि हमें दो फंदे यहाँ पे ब्लैक रखने हैं। एक, दो, आठ फंदे हमने रेड बुन लिए, दो फिर से ब्लैक कर लिए। अब हम यहाँ से देखिए वाइट लगा लेंगे ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। ये देखिए, 14 फंदे हमने वाइट बुन लिए, दो बिना बुने छोड़ दिए। बुल को इधर किया और सलाई को हम पलट लेंगे। इधर से जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुनेंगे। सिर्फ ये दो फंदे ब्लैक हैं, उनको हम ब्लैक बुनेंगे, बाकी वाइट और रेड। जैसा आप कलर लगाएंगे उस हिसाब से आपको बुनना है। ये देखिए, अब देखिए इस बुल को हम ऐसे क्रॉस करा देंगे, इसको आगे लाएंगे, दो फंदे ब्लैक से, और इसको अब हम इधर करेंगे, रेड को आगे लाएंगे ऐसे। अब यहां से हम रेड से बनाएंगे। ये देखिए, अब ये वाला दो फंदे ब्लैक, ये देखिए। तो देखिए इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे, तो ऐसे घुमाएंगे और एक फंदा ये हम बुन लेंगे। अब ये ब्लैक वाला फंदा जो है इसको हम रेड बना लेंगे। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फंदे बुने। अब हम इसको ऐसे करेंगे और एक ये वाला रेड वाला ब्लैक फिर से बना लिया, एक इसमें से बना लेंगे। इधर वाला हम जो है उसको हम वाइट से बना लेंगे ऐसे। तो अब यहाँ से देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, तेरह फंदे बुने, दो बाइट के छोड़ दिए, यहीं से हमने पलट लिया। अब यहाँ पे जो जैसा है उसको हम लास्ट तक वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, अब इसको हम क्रॉस करा देंगे, ब्लैक को आगे लाएंगे ऐसे,
दो फंदे हमें ब्लैक बुनने हैं यहाँ पे, इसको उधर कर देंगे, रेड को आगे लाएंगे, रेड से बुनेंगे। ये देखिए, अब इसको हम आगे लाएंगे, ये दो फंदे ब्लैक बना लिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से वापस एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, और देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये वाला फंदा ब्लैक वाला रेड बना लेंगे। अब दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ रेड बुने। अब देखिए ये वाला जो है इसको हम ब्लैक बुन लेंगे ऊपर के साइड, एक ये बुनेंगे। अब ये वाला जो है इसको हम वाइट बनाएंगे ब्लैक। अब दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, दो फिर से छोड़ दिए और यहीं से हम पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम जो जैसा है उसको हम लास्ट तक बना लेते हैं। इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम यहाँ से वापस एक फंदा ऐसे घुमाते हुए बढ़ा लेंगे, ये बढ़ गया। उसके बाद हम यहाँ पे ये ब्लैक बना लिया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये देखिए आठ हमने रेड बुने। और देखिए अब हम ये वाला रेड वाला ब्लैक बना लेंगे, एक ये बनाएंगे और ये वाला वाइट से बुनेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, दो फिर से छोड़ दिए और यहीं से हम पलट लेंगे। और देखिए इस रो को हम पूरा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ये रो कंप्लीट कर ली। और देखिए यहाँ से हमने एक एक करके तीन फंदे बढ़ा लिए हैं, और यहाँ पे देखिए दो दो करके एक दो तीन चार, चार दूनी आठ फंदे छोड़ दिए हैं। अब देखिए हम इधर फंदा घटाएंगे और इधर दो दो फंदे अभी हम छोड़ेंगे। तो अभी देखिए हम ऊपर के साइड कली ले जा रहे थे, अब हम अंदर के साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम दो का एक करेंगे, पहले ये कर दिया, उसके बाद हम एक फंदा रेड वाला ब्लैक बना लेंगे और यहाँ से हम रेड कलर की बुल लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और एक हम ब्लैक वाला इधर को रेड बना लेंगे। अब देखिए एक ये और एक हम वाइट वाले में से, क्योंकि हम अंदर के साइड जा रहे हैं। तो देखिए एक हमने बना लिया, अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, दो फिर से बिना बुने छोड़ दिए। पहले देखिए हम आठ फंदे छोड़ चुके हैं, अब ये दो छोड़े तो दस फंदे छूट गए हैं, इसे हम पलट लेंगे। और यहाँ से देखिए जो जैसा है उसको हम बना लेते हैं। ये देखिए इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पे इसको पलट लेंगे, अब फिर से हम उल्टे तरफ से एक फंदा घटा देंगे, ये देखिए, और ये वाला हम ब्लैक बना लेंगे। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, और एक ये वाला ब्लैक वाला हमने रेड बुन लिया। यहाँ से देखिए एक और एक वाइट वाला ब्लैक फिर से बना लेंगे यहाँ पे। यहाँ से देखिए एक दो तीन चार और पाँच, ये देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से हम पलट लेंगे इसको। ये देखिए इसको अब हम क्रॉस कराएंगे और ये रो हम ऐसे ही पूरा कर लेंगे। ये देखिए सीधे तरफ से रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब हम यहाँ से वापस देखिए एक फंदा घटाएंगे, तो इस रो में देखिए हमने एक एक करके तीन फंदे घटा दिए और एक इधर से हम ब्लैक बना लेंगे रेड वाला। उसके बाद हम यहाँ से देखिए एक दो
तीन, चार, पाँच, छ, सात और एक ये रेड बना लिया, ब्लैक वाला आठ। यहाँ से देखिए एक और ये दो। अब देखिए यहाँ पे एक और दो, दो फंदे ये हमने बाइट के बुने, दो छोड़ दिए। तो यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात दूनी चौदह, चौदह फंदे छूट गए हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दो फंदे बाइट के रह गए और यहाँ से हम इसको क्रॉस करा के ये रो पूरी करेंगे। ये देखिए यहाँ से जैसे हमने ये तीन फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हमने तीन फंदे कम कर लिए। अब देखिए हम ये फर्स्ट रो रिपीट करेंगे। पहले हम ऊपर के साइड जाएंगे फिर अंदर के साइड। तो यहाँ से देखिए एक फंदा अब हम ऐसे बढ़ा लेंगे, ये देखिए, और ये वाला हम रेड बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये वाला एक ब्लैक बना लेंगे क्योंकि हम अब ऊपर के साइड जा रहे हैं। एक ये बनाएंगे और यहाँ से देखिए हम ये वाइट वाइट से बना लेंगे एक और ये दो फंदे तक हमने, ये देखिए सारे फंदे छोड़ दिए थे, ये दो फंदे रह गए थे, इन्हीं को अब हम बुनेंगे इस रो में क्योंकि यहाँ से ये हाफ कली इसकी बन गई है, हाफ सेम तरीके से और बनेगी। तो यहाँ से हम पलट जाएंगे, ये देखिए ये दो फंदे और एक ये तीन, यहीं से अब हम क्रॉस कराएंगे, दो ब्लैक बुनेंगे, बाकी फंदे हम रेड बनाएंगे, दो ब्लैक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम एक फंदा वापस बढ़ा लेंगे, ये देखिए, और एक ये रेड बना लेंगे ऊपर के साइड। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और एक ये ब्लैक, एक और। उसके बाद देखिए यहाँ से एक, दो, तीन, चार, ये देखिए दो फंदे तक हमने ये बनाया था, दो हमें छूटे वाले में से लेने हैं, गैपिंग को भरना है। तो यहाँ से ऐसे फंदे दोनों रो में से एक एक फंदा उठा के अगले फंदे के साथ हम तीन का एक कर देंगे। यहाँ पे फंदा कोई बढ़ेगा नहीं, एक फंदा और आगे से ले लेंगे, यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से अब हम इसको क्रॉस कराएंगे, ब्लैक को आगे लाएंगे और ये रो हम ऐसे ही पूरा करेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम वापस एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे घुमाते हुए, एक बढ़ गया यहाँ पे, इसको हम ऐसे करेंगे और ये वाइट वन इसका रेड बना लिया। यहाँ से देखिए तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। अब इसको हम इधर कर देंगे यहाँ से ब्लैक से, ये देखिए दो फंदे बना लिए। अब एक हम ये बाइट से बनाएंगे ब्लैक वाला, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, दो हम छूटे वाले में से लेंगे, गैफिंग को हम भरेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे हमने तीन का एक कर दिया, एक और ले लेंगे, यहीं से पलट जाएंगे। अब यहाँ से जो जैसा है देखिए उसको हम वैसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इधर की रो कंप्लीट कर ली और यहाँ से देखिए हमने तीन फंदे बढ़ा लिए। अब देखिए हम वापस अंदर के साइड जाएंगे क्योंकि हम यहाँ से ऊपर के साइड आए, जैसे हम यहाँ से ऐसे गए फिर वापस ऐसे आए, तो अब हमें ऐसे अंदर के साइड जाना है। तो यहाँ से हमें फंदा घटाना है, एक एक करके तीन फंदे हमें घटाने हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लैक एक कर दिया दो का और यहाँ से एक ले लिया रेड में से। अब यहाँ से दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एक हम ब्लैक वाला ले लेंगे, आठ, यहाँ से एक ये और एक हम वाइट वाले में से ले लेंगे। यहीं से देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब हम दो आगे से लेंगे छूटे वाले में से, गैपिंग को ख़त्म करेंगे ऐसे। तीन का एक किया, एक फंदा और ले लिया, यहीं से पलट लिया। अब देखिए हम यहाँ से ये रो कंप्लीट करेंगे।
अब देखिए रो कंप्लीट करने के बाद वापस हम फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने दो का एक किया, एक फंदा रेड वाला ले लिया, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक ब्लैक में से आठ, यहाँ से एक और दो। उसके बाद हम बाइट लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, दो हम आगे से लेंगे, गैफिंग को भरेंगे इस तरह से। ये तीन का एक कर दिया, एक आगे से ले लिया और यहीं से पलट लिया, यहाँ से जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। इधर की रो कंप्लीट कर ली मैंने, अब हम यहाँ से देखिए ऐसे फिर से दो का एक कर देंगे, एक फंदा आगे से लेंगे और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ। अब यहाँ से ब्लैक एक और दो, उसके बाद बाइट एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये तीन फंदे हमने जो बढ़ाए थे वो हमने तीन घटा दिए और इस रो में हम ये बाइट वाले चार फंदे एक साथ ले लेंगे। और आप अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने जो दो फंदे लिए थे यहाँ से अंदर के साइड आए थे, तो यहाँ से आप चार फंदे ले लें स्टार्टिंग में, तब भी बन जाएगा आपका। तो इस रो में हम ये चार फंदे एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम गैपिंग को भर देंगे, ये देखिए ऐसे इस तरह से, क्योंकि ये इधर से डिजाइन पूरी हो चुकी तो यहाँ तक हमें आना है बाइट तक। अब यहाँ से हमें पलट जाना है, यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसे ही कंप्लीट करना है। इधर की रो कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हम सभी फंदे ब्लैक से ही बुनेंगे, जो हमने आउटलाइन डाली है उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ से इस रो में हम ना कोई फंदा घटाएंगे और ना बढ़ाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस। देखिए गैपिंग को भरेंगे हम ऐसे, सत्ताईस और अट्ठाईस, अट्ठाईस फंदे का हम बना रहे हैं। तो देखिए इस रो में हमारे पास फिर से अट्ठाईस फंदे ही हैं, यहाँ से हम पूरी रो उल्टा बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक कली बनके कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम इस डिजाइन का कलर चेंज करेंगे, तो हम ये वाला कलर रेड वाली जगह लाएंगे और रेड वाला कलर वाइट वाली जगह लाएंगे। तो देखिए यहाँ से अब दूसरी कली स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम पहले दो फंदे ये ब्लैक बुनेंगे और देखिए यहाँ से ये वाला कलर ले लेंगे, एक दो तीन, और देखिए इस वाले धागे को हम साथ ले जाएंगे और ये वाला धागा जो है इसको हम ऐसे ऐसे करके ऐसे बना देंगे ताकि यहाँ पे धागे लंबे ना रहें। ये देखिए दो दो चार पाँच छ सात आठ, ये देखिए आठ फंदे हमने वाइट बुने, जैसे हमने यहाँ पे आठ आठ रेड बुने थे वैसे ही यहाँ पे ये वाइट आ गए। अब दो फंदे हम ब्लैक के बुनेंगे, एक और दो, ये देखिए अब यहाँ से हम रेड ले लेंगे, यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह फंदे हमने बुने, दो बिना बुने छोड़ दिए और यहीं से हमने इसको पलट लिया। ये देखिए तो इस तरह से ये यहाँ पे
हार्ट वाली डिजाइन यहाँ आ जाएगी और ये वाली डिजाइन यहाँ पे बाइट से आ जाएगी। इतना ही इसमें चेंज करना है, बाकी सेम तरीके से इसको आप बनाना है। इस रो को हम पूरा करेंगे, ये देखिए। अब दो हम ये ब्लैक से बुनेंगे ऐसे, अब वाइट से, ऐसे ये देखिए। अब देखिए हम यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे और इधर से दो दो फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। जब तीन फंदे बढ़ जाएंगे ऐसे ऊपर के साइड जाएंगे, फिर हम तीन फंदे घटाएंगे वापस। फिर देखिए तीन फंदे बढ़े हैं फिर तीन घटे हैं, तो इसी को रिपीट करते हुए हम इसको पूरा करेंगे। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।